नादिर मौजूद है इस वक्त नॉर्थ अहमदाबाद हैदरी पर, जहां बहाली नॉर्थ अहमदाबाद तहरीक के सिलसिले में एक अवामी फैमिली एहतजाजी वॉक जारी है। ऐसा नहीं था अपना नॉर्थ अहमदाबाद इनका नारा है, और ये लोग कह रहे हैं कि इस नॉर्थ अहमदाबाद को मनसूबा बंदी के तहत बिगाड़ा गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। और आज जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस वॉक जिसकी क़यादत हाफिज़ नईमुर रहमान कर रहे हैं, हम हैदरी से KDA की जानिब वॉक कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन जमा हैं, मर्द जमा हैं, बच्चे जमा हैं, और वो यही बात कह रहे हैं कि हमारे इलाके को जो कचरा ज़्यादा और तबाहल कर दिया गया है, इसको बहाल किया जाए। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान भी इस रैली में शरीक है। आइए देखते हैं, जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं एहलियान नॉर्थ अहमदाबाद से ये अपील करता हूँ कि अगर इनके कागजों में भी ये मंसूबे मौजूद हैं, तो ये मंसूबे कागजों में मुकम्मल भी हो जाएंगे और आपके हालात नहीं बदलेंगे। आप अगर चाहते हैं कि नॉर्थ अहमदाबाद दोबारा से इसकी सड़कें बने, दोबारा से इसकी सीवरेज की लाइनें बने, तो आपको इस तहरीक को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस तहरीक के एक नए मरहले को शुरू करना पड़ेगा, जिसमें आप हर यूनियन काउंसिल, DC ऑफिस, जो टाउन के पुराने ऑफिस थे जो आप भी इस वक्त जो है वो मौजूद है उनमें, और वाटर बोर्ड के दफातर का घेराव करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब ने फरमाया कि हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो बिल है वो गैस के बिलों में आपसे वसूल करेंगे। शर्म तुमको मगर नहीं आती? कौन सी सफाई तुमने इस शहर में की है? जाकर देख लीजिए अंदर की तमाम सड़कों को, मेन सड़कों के ऊपर भी कचरे पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, पूरे शहर को कचरा कुंडी बनाकर इस सर्विस का तुम टैक्स हमसे लेना चाहते हो? किसी सूरत तुम्हें ये टैक्स नहीं देंगे। और अगर के इलेक्ट्रिक वालों और सुई सौदन गैस वालों, सुन लो, अगर ये बिल केई के और गैस के बिलों में लग कर आएंगे तो ये शहर कराची के लोग ना केई का बिल अदा करेंगे, ना सुई गैस का बिल अदा करेंगे। आप इसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? नाज़रीन, नॉर्थ अहमदाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक से इस वॉक में लोग शरीक है। आइए देखते हैं, जानते हैं कि वो क्या जज्बात लेकर यहाँ आए हैं और किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ मैं 40 साल से रह रहा हूँ, तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा। पूरा इलाका के हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नजर नहीं आ रही है, गटर से लेके, बिजली से लेके, गैस से लेके, हर चीज़ का बहरान है और इतने परेशान है आवाम है कि आपको बता नहीं सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नॉर्थ अहमदाबाद बिल्कुल ख़राब हो चुका है और गटर की लाइनें हैं जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। मैं नॉर्थ अहमदाबाद में, मेरा बचपन गुजरा है, मैं नॉर्थ अहमदाबाद में रहा हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ है नॉर्थ अहमदाबाद। मैं खुद जब यहाँ रहता था तो ये तो बागों का एक इलाका लगता था और ऐसा लगता था उस वक्त इस्लामाबाद बसा नहीं था, ये इस्लामाबाद था। लेकिन अब बदकिस्मती से यहाँ की स्कूल क्या, यहाँ के पार्क क्या, यहाँ के ग्राउंड, खेल के मैदान सब कब्जा हो चुके हैं। दूसरी बात, जो सहूलियात थी पानी के हवाले से, यहाँ वाफर मकदार में पानी होता था, लेकिन आज हेड्रेंट होने के बावजूद उन मकीनों को पानी नहीं मिलता, टैंकर के अंदर पानी चला जाता है लेकिन घर के नलके में पानी नहीं आता। तो ये जो हुकूक़ कराची के उनवान से 14 नुकात हाफिज़ नईमुर रहमान ने दिए हैं, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है और अब सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपनी दुकानदारियाँ बंद करें, ड्रामेबाजियाँ बंद करें। उनके पास बजट भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास पैसा भी है और उनके पास इतनी बड़ी काबीना और वोट मौजूद है, वो चाहें तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान इस वक्त मुझे कहने दीजिए कि कराची के हर तबके की उम्मीद बन चुके हैं और निजात दहिंदा के रूप में सामने आ चुके हैं। नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक H में ये तो मसाइल का अंबार है, जो कि मसला हल ही नहीं होता। सबसे पहला बड़ा मसला जो है वो कचरे का है कि गारबेज कलेक्शन का कोई निज़ाम बाकायदा था यहाँ पे, लेकिन गुज़िश्ता 10-12 साल से ये निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक क्यू का रहशी हूँ। इमरान अली शाह साहब जो हमारे MPA हैं, हमारे बिल्कुल उनके सामने ग्राउंड है, उस सड़क का हाल देखें जिसके सामने से नाला बह रहा है। ये नाहल लोग हम पे मुसल्लत किए गए हैं, आवाम ने वोट नहीं दिया। ये बाद में दादा और मेरे अबू ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं था अपना नॉर्थ नासाबाद। जब भी हम किसी और इलाके में जाते हैं तो देखते हैं बड़ा साफ सुथरा है, लेकिन जब अपने नॉर्थ नासा को बात देखते हैं तो देखते हैं कि इतना ख़राब और गंदा है, हर तरफ कच्चे गड्ढे, टूटी फूटी सड़कें, और बच्चों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है पार्क्स, कहीं पर भी पार्क्स नहीं है, सारे पार्क टूटी फूटा है, कहीं पर भी झूले नहीं है। जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो हर तरफ गटर, नालियाँ फैल रही होती हैं, कचरा पड़ा हुआ होता है, तो हम लोग कहते हैं
अबू ये ऐसे ही क्यों होता रहेगा हर रोज़। तो फिर अबू कहते हैं हम लोग को आवाज़ उठानी है, बाहर जाकर आवाज़ उठानी है, इसलिए रैली रखी गई है। हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी को चीज़ें साफ रखनी चाहिए, और हमारा दीन कहते हैं कि सारी चीज़ें साफ रखें और ना गंदा भी ना रखें और को अच्छा भी रखें। नॉर्थ नाज़माबाद पाकिस्तान कराची का सबसे बेहतरीन इलाका कहलाता था। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक सोची समझी स्कीम के तहत, एक साजिश के तहत इसको किस कदर ख़राब किया गया। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम ख़वातीन को इरिटेट करती है वो यहाँ पे कचरा, जगह जगह कचरे का ढेर। सड़कें इतनी बेइंतहा ख़राब सड़कें हैं कि अगर आपका महीने में दो महीने में आपकी गाड़ी में काम ज़रूर निकलता है, ठीक है। और नाले इतने बह चुके हैं कि जब बारिशें आती है तो गाड़ी चलाने वाले को ये पता नहीं होता कि कहाँ गड़ा है और कहाँ उसकी गाड़ी गिर जाएगी। हालात ये हैं कि रोड जो है अभी हमारी बनी है 20 दिन पहले ही, और अभी बारिशों के अंदर उसके अंदर खड्डे आ चुके हैं। यानी उन्होंने इतना थर्ड क्लास मटेरियल इस्तेमाल किया है, करप्शन उसके अंदर इतनी ज़्यादा की गई है। इकबाल टाउन की सूरत हाल ये है कि एक ही पार्क है मगर वीरान हो चुका है। नेमतुल्ला साहब के ज़माने बना था, उसके बाद इसका कोई पर्सनल नहीं, मट्टी उड़ रही है वहाँ पर। हमारे भाई ब्लॉक एम में गटर, कचरा, सड़कें, एक एक चीज़ें ख़राब पड़ी हुई है। आवारा कुत्ते हैं और जो कचरा है वो कचरे की कुंडी की वजह से पूरा नॉर्थ नाज़माबाद ख़राब हो रहा है, ख़ास तौर से बैक के ब्लॉक के अंदर। प्लाजा ब्लॉक में रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। पिछले 11 साल से पानी नहीं आ रहा, हमारे नलों में पानी नहीं आता, लाइनों में पानी नहीं आता, और करीबी हाइडेंट में पानी मिलता है जहाँ जहाँ खरीदना पड़ता है। हर जगह कचरा, हर जगह जो गटर नदी बह रही है, गटर मसल हाल ये हो गया कि जैसे हम ये कह लें कि नॉर्थ नाज़माबाद जो कहते थे कि कराची का सबसे एजुकेटेड और डिसेंट शहर इलाका है, वो इलाका वो ऐसा नहीं रहा। इलाके का कोई एक रोड भी ऐसा नहीं है जो 100 फीट भी सही हो, और हर गली में ओवरफ्लो हो रहा है, गंदा पानी बह रहा है, और एक दफ़ा गंदा पानी बहता है तो वो चलता रहता है। बहुत परेशानी में निकला हूँ, कितनी गर्मी है, कैसा मौसम हो रहा है, लेकिन मैं निकला हूँ एहतजाज के लिए। इंसाफ के हम मत वाले हैं, चेहरे नहीं सिस्टम बदलेंगे, ये फैसला हमने। जमात इस्लामी का जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ कि दे आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस करप्ट गवर्नमेंट, एंड आई एम 100% विद यू ऑल। यहाँ पे कितनी गंदगी है, क्या कुछ है, हर इंसान परेशान है। यहाँ राज है बदनवानी का, चलता सिक्का मनमानी का, कांधों पर बोझ गिराने का। 29 अगस्त को भी एक वॉक का इत्मीनान किया था, और आज जो लोग हैं वो उसमें उससे कहीं ज्यादा हैं, और जिस तरीके से ये प्रोग्राम को चला रहे हैं तो मैं पुरुमीद हूँ और पुरअज़्म हूँ कि इंशाल्लाह कराची के इन मसाइल को, नॉर्थ नाज़माबाद के इन मसाइल को जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हल कर लिया जाएगा। वॉक का इनेकाद किया था जमात इस्लामी ने, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मकसद क्या था कि लोगों को बुनियादी हकूक़ दिए जाएं। भाई पानी का शदीद मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं, गैस बिजली का निज़ाम बिल्कुल फेल हो चुका है, हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। नॉर्थ नाज़माबाद की तहरीक जो जमात इस्लामी ने शुरू करी है, माजी में भी इस तरह की तहरीक है, कोरोना के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से जमात इस्लामी ने शुरू की थी, जो कि ताजरों के ताबून से कामयाब हुई थी। और जिस तरीके से जोग दर जोग यहाँ पर इस वक्त नॉर्थ नाज़माबाद एहलियान और ताजर एहलिया नॉर्थ नाज़माबाद के इनके साथ हैं, इस तहरीक में शाना बचानों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनका हमारा हामी और नासिर होगा, कामयाबी हमारे हासिल होगी। तहरीक बहाली नॉर्थ नाज़माबाद के कन्वेनर आतिफ अली खान ने एक करारदाद पेश की जिसे वॉक के शुरका ने हाथ उठाकर मंजूर किया। अगर आप इस सचिन से मुत्तफिक हैं तो अपने हाथ उठाएं। एहतजाजी वॉक से अमीर जमात इस्लामी जिला वस्ती वजी हसन ने भी खिताब किया। ये तहरीक एक मुबारक तहरीक है, ये तहरीक एक जमहूरी तहरीक है, और इस तहरीक को हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तहरीक समझते हैं। हम हुक्मरानों को उनका फर्ज याद दिला रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारा जीना जो दूभर किया हुआ है, अगर इस हाल को बेहतर ना बनाया
तो हालात उनके लिए बदतर हो सकते हैं। हमने बहुत पुरमन रहकर हुक्मरानों तक अपनी बात पहुंचाई है। हम यहाँ आपके सामने करारदादें पेश कर रहे हैं। हमारे सामने सिंध हुकूमत है और वफाकी हुकूमत है। इन दोनों का चेहरा बहुत तारीख है। एहतजाजी फैमिली वॉक ने ये बताया है कि अवाम के अंदर तहरीक बहाली नॉर्थ आज़माबाद जड़ पकड़ चुकी है। अवाम अपने घरों से बाहर निकले, बड़ी तादाद में हमने देखा कि मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब निकले और सब ने यक जबान होकर यही बात कही है कि इस नॉर्थ आज़माबाद को बहाल किया जाए, इसकी पुरानी हालत को बहाल किया जाए, इसके पार्क्स बहाल किए जाएँ, इसकी सड़कों को तामीर किया जाए, यहाँ पानी की मसनूई किल्लत पैदा की गई है उसको ख़त्म किया जाए। देखना यह है कि आने वाले वक्तों में यह एहतजाजी वॉक किन धरनों में तब्दील होती है और फिर वो उन हुक्मरानों से अपने हिस्से का काम है वो किस तरह करवाने पर मजबूर करती है। कैमरामैन जिशान शेख के साथ सलमान अली, राह न्यूज़, कराची।